और मुझे मिल गए पेरिस में कुछ लोग कंचे खेलते हुए। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनके कंचे कुछ ज्यादा ही बड़े हैं साइज में। इस गेम का नाम अगर आपको पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ऑफिस से बाहर निकलकर इस शाम का नजारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत मंजर है ये। पेरिस में मुझे मिली एक सुजुकी स्विफ्ट कार एंड आई एम वंडरिंग कि इस कार को सेफ्टी सर्टिफिकेट कैसे मिला होगा यहाँ यूरोप में। और भाई हम आ गए हैं पेरिस मेट्रो सिस्टम की टनल्स में। बहुत ही खौफिया सी दिखती हैं ये टनल्स, जो एक मकड़ी के जाल जैसी फैली हुई हैं। बहुत ही ज्यादा बड़ा है यहाँ का मेट्रो सिस्टम, जिसे समझने के लिए शायद आपको 4-5 महीने लग जाएं। और ये हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल, जहां मैं खेलने जा रहा हूं अपना पहला बॉलिंग शॉट आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और किस्मत का खेल कुछ ऐसा है कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हों तब सबसे ज्यादा बेकार शॉट खेला जाता है, जो कि सेम मेरे साथ हुआ। और एक बार नहीं, दो बार बैक टू बैक। ये हैं मेरे प्यारे कलीग्स और ये है नजारा पेरिस के एक छोटे से बॉलिंग अरीना का। और फाइनली बहुत सारे शॉट्स खेलने के बाद एक अच्छा शॉट मिल ही गया, एक स्ट्राइक भी मिल गई थी बाद में, पर अफसोस वो रिकॉर्ड नहीं हुई। आयरनी ऑफ आवर लाइव्स। बॉलिंग एरिया से बाहर निकलकर अब हम जा रहे हैं डिनर करने। अब आप सोच रहे होंगे कि शाम में कौन डिनर करता है यारो, पर यारो ये जो शाम दिख रही है ये एक छलावा है। यहाँ असल में रात के 8 बज रहे हैं, सनसेट इज ऑलमोस्ट हेयर, इसीलिए हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। ये है मेरा आज का डिनर। ना तो इस रेस्टोरेंट में हलाल फूड था, ना ही कोई सिंपल सा पिज्जा, तो मैंने ऑप्ट किया ये हरी सब्जियों जैसा दिखने वाली एक डिश विद एन एवोकाडो। मेरे कलीग्स खा रहे हैं डक एंड अदर वैरायटीज ऑफ नॉन वेज फूड विच आई शैल नॉट नेम हियर। क्यों? क्योंकि मुझे याद नहीं अब। फैशन टीवी देख के लेट 90s की याद आ गई। बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता था ये चैनल, क्योंकि किसी भी वक्त फैशन टीवी लगाओ तो काफी एक्सपोजर वाली मॉडल्स होती थी इस पर। पर अब तो आप इंस्टाग्राम खोलिए, उसके सामने फैशन टीवी भी फेल है। आज का हमारा सफर यहीं खत्म होता है और हम फिर आ गए हैं आर्क डे ड्राइव पर। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसा मेरा ऑफिस जो है वो कनॉट प्लेस में है दिल्ली में, और जब भी मैं ऑफिस से बाहर निकलता हूँ तो इंडिया गेट पहुंच जाता हूँ। तो जैसे ही हम पेरिस के ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो हम आर्क डी ट्राइम पहुंच जाते हैं। कसम उड़ान छल्ले की बिल्कुल ऐसी फीलिंग है। अगली वीडियो तक के लिए शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हम है राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।